नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैकेनिकल गुरुकुल में। आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर इन वीसी साइकिल। हीट एक्सचेंजर का यूज कैसे करते हैं वीसी साइकिल में, ठीक है। देखो सिंपल, हमें पता है कि वीसी साइकिल में हीट वीसी साइकिल क्या होता है, 1-2-2 जो प्रोसेस होती है वो कंप्रेसर में होती है। कंप्रेशन देखो 1-2-2 हुई आपकी कंप्रेसर में, इस टाइप से यूज करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ साइकिल कैसे बन रहा है। यहाँ पे 1-2-2 कंप्रेसर में हुई, 1 से लेके 2 तक कंप्रेसर में हुआ कंप्रेशन, 1-2-2 हुआ कंप्रेशन कंप्रेसर में, 2-3 जो प्रोसेस हुई वो हुई कंडेंसर में, 2-3 प्रोसेस हुई कंडेंसर में, फिर 3-2-3 ये जो पॉइंट है ये है आपका 3 है, 3-2-3 ये प्रोसेस हुई आपकी हीट एक्सचेंजर में। ये क्यों होती है और क्यों यूज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। 3-2-3 हीट एक्सचेंजर में हुई, फिर 3-3-4 ये थ्रोटलिंग प्रोसेस हुई आपकी, 4-1 4 से लेके 1 इवेपोरेटर में हुई, और फिर ये 1 फिर 1-2-1 जो हुई वो किसमें हुई, हीट एक्सचेंजर में। देखो यहां पर ये जो है थोड़ा सा सुपर हीट हो गया है, ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि थोड़ा सा सुपर हीट हमें चाहिए, थोड़ा सा सुपर हीट भी हो गया है। प्लस अगर ये 3 से आप इसको यहां से ही अगर आप इसको, तो ये 4 पॉइंट आपका यहां पे आता। अगर 3 पॉइंट से ही अगर आप इसको थ्रोटल करते तो 4 पॉइंट आपका यहां पे आता। तो RE देखो, RE इंक्रीज हो गई है। RE क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्योंकि 3 पॉइंट से अगर थ्रोटलिंग होती तो ये यहां पर आता पॉइंट, लेकिन फिलहाल यहां पर है। तो RE की वैल्यू ये होती एक्चुअल में, अभी जो है RE की वैल्यू इंक्रीज हुई है और थोड़ा सा सुपर हीट भी मिल गया हमें। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब यहां पर जो रेफ्रिजरेंट आया, यहां पर जो रेफ्रिजरेंट था इवेपोरेटर में से जाने के बाद ये यहां पर गया इसमें हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में एक्चुअल में क्या हुआ कि जो कंडेंसर से जो 3 पॉइंट से जो बाहर निकल रहा था जो रेफ्रिजरेंट था वो अभी भी काफी गर्म था। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए क्या किया, यहां से जो इवेपोरेटर से आ रहा था ये अभी भी ठंडा था, ठीक है। तो यहां से इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हुई, यानी कि हीट जो हुई इस जगह से, हीट कहां गई, इस जगह पे, सॉरी हीट आई इस जगह से इस जगह पे गई, यानी कि जो कंडेंसर से यहां पर 3-2-3 ये टेम्परेचर में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हीट यहां से कहां गई, 1-2-1 इसमें हीट चली गई। इसकी वजह से ये 1 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा सुपर हीटेड रीजन में चला गया, और यहां पर ये जो है सब कोल्ड रीजन में आ गया। 3 पॉइंट जो था, 3 पॉइंट यहां पर था, ठीक है। तो 3 जो है आपका सुपर हीट सब कोल्ड रीजन में आ गया, तो इसकी वजह से RE इंक्रीज हो गई और थोड़ा सा सुपर हीट भी हमें मिल गया। तो इस टाइप से हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं वीसी साइकिल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर से बता देता हूं मैं, कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा था ये बाहर निकला यहां पर, तो इसका टेम्परेचर अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको हीट एक्सचेंजर में क्या किया, इसने हीट लूज कर दी। हीट एक्सचेंजर में ये क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन चला गया। लेकिन ये जो हीट किसने ली, जो इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट आ रहा था, इवेपोरेटर खत्म कहां पे हुआ, 1- पे, 1- से जब रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा था तो इसको हीट दे दी ताकि ये स्लाइटली थोड़ा सा सुपर हीट हो जाए, ठीक है। तो हीट यहां से यहां हुई, ये जो इस जगह से इस जगह हीट ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो ये जो 1-2-1 प्रोसेस है ये RE इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि 1-1 जो प्रोसेस है वो किसमें हो रही है, हीट एक्सचेंजर में। तो इसकी वजह से RE चेंज इंक्रीज नहीं होगा, RE कितना होगा, 4-1 ही होगा।
यहां पर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसमें हो रही है? नॉट इन इवेपोरेटर, इवेपोरेटर में नहीं हो रही, किसमें हो रही है? इन हीट एक्सचेंजर में हो रही है, ये इवेपोरेटर में नहीं हो रही है। और ऐसे ही ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी किसमें नहीं हो रही? कंडेंसर में नहीं हो रही, नॉट इन कंडेंसर, किसमें हो रही है? इन हीट एक्सचेंजर। 3-2-3 एंड 1-2-1 ये दोनों प्रोसेस हीट एक्सचेंजर में हो रही है। तो इन हीट एक्सचेंजर क्या हो रही है? 3-3 तक एंड 1-2-1 ये प्रोसेस हो रही है। ये दोनों प्रोसेस किसमें हो रही है? ये वाली और ये वाली प्रोसेस जो है हीट एक्सचेंजर में हो रही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आरई में नहीं आएगा, तो आरई यहां पर क्या आ जाएगा? आरई की वैल्यू 4-1, तो यानी कि H1-H4, ये आएगी आपकी आरई की वैल्यू। आरई की वैल्यू H1-H4, इस पॉइंट की इंथाल्पी माइनस 4 पॉइंट की इंथाल्पी, बट आरई इंक्रीज हुई है, क्योंकि अगर ये 3 से इसको अप करते, 3 से अगर आप इसको थ्रोटलिंग करते तो ये पॉइंट यहां कहीं आता, तो आरई की वैल्यू इंक्रीज हुई है। दूसरा सुपरहीट भी हुआ है, और वर्क इनपुट जो कंप्रेसर में हो रहा है, कंप्रेसर में तो अभी भी प्रोसेस 1-2 ही हो रही है, तो ये यहां से लेके यहां तक ही हो रही है, तो वर्क इनपुट H2-H1। तो इसका मतलब सीओपी क्या हुई आपकी? सीओपी हुई आरई बाय वर्क इनपुट, यानी कि H1-H4 डिवाइड बाय H2-H1। ठीक है, और H4 अब H3 के इक्वल नहीं रहा, H4 किसके इक्वल आ गया? H3- के, क्योंकि थ्रोटलिंग कहां से हो रही है? H3-2H4। और हम यहां पर एक ये भी लिख सकते हैं कि H3- = H4, H3- = H4 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है 3-4 हो रही है थ्रोटलिंग। ठीक है, 3-4 नहीं हो रही है, 3-3 जा रहा है पहले हीट एक्सचेंजर में, और 3-4 थ्रोटलिंग हो रही है, इसलिए H3- को H4 लिख सकते हो। तो H4 की जगह क्या लिख सकते हैं यहां पर? H3-, तो COP की जगह क्या आएगा? H1- - H3- डिवाइड बाय H2-H1, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। H4 की जगह अब आप H3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3-4 हो रही है थ्रोटलिंग। ठीक है, ये समझ में आया, इजी है। अब देखो, यहां से जितना हीट लॉस होगा, 3-2-3 हीट लॉस हो रहा है, उतना ही यहां पर हीट गेन होगा। यहां पर हीट लॉस और यहां पर क्या होगा? हीट गेन होगा। तो जितना ये हीट, हम मान के चल रहे हैं कि सारी की सारी हीट यहां पे चली गई है, बाकी और कहीं नहीं गई है, तो हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस जितना होगा उतना ही हीट गेन होगा। अब हीट लॉस कितना हुआ है यहां से लेके यहां तक, यानी कि H3-H3- हीट लॉस कहां से कहां तो हुआ? 3-2-3 हीट लॉस हुआ है। हीट लॉस कितना हुआ? H3-H3- और हीट गेन कहां पे हुआ है? यहां पर हुआ है। हीट गेन कितना होगा? H1-H1- ये होगा आपके पास। हीट गेन जो होगा वो होगा H1-H1- ये होगा हीट गेन। ठीक है, ये हीट गेन होगा। ये जो प्रोसेस हो रही है पूरी की पूरी, ये किसमें हो रही है? हीट एक्सचेंजर में हो रही है। ये जो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन लिख रहे हैं हम, ये किसमें हो रहा है? हीट एक्सचेंजर में। H3 = H3- H1-H1- हीट लॉस की वैल्यू आएगी H3-H3-, यहां पर हीट लॉस हो रहा है 3-2-3-, यहां पर 3-3 में लॉस हुआ है।
और एच वन माइनस एच वन डैश, एच वन वन डैश से लेके वन तक जब जा रहे हैं तो हीट गेन हुआ, तो इसको लिखेंगे एच वन माइनस एच वन डैश, क्योंकि ये हाइयर एंथैल्पी होगी ये लोअर एंथैल्पी होगी, तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा। अब इसको लिख सकते हैं, देखो हीट जो लॉस हुआ है यहां पर इस जगह पे, इस जगह पे क्या है लिक्विड है, इस जगह क्या है लिक्विड है और इस जगह क्या है वेपर है। इस फेज यहां पर इस लाइन से वो इधर चले जाते हैं तो वेपर, और इस थ्री पॉइंट से आप इधर आओगे इस जगह पे, इस पूरी लाइन से लिक्विड सैचुरेटेड सैचुरेटेड लिक्विड कर्व से इधर आओगे तो लिक्विड है। तो एस थ्री माइनस एस थ्री को डैश को क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ लिक्विड इंटू पी थ्री माइनस टी थ्री डैश। यहां पर टेम्परेचर टी थ्री होगा, यहां पर टेम्परेचर टी थ्री डैश होगा, और किस किस में हो रहा है, किस फेज में हो रहा है लिक्विड में, तो सी किसकी आएगी, सी ऑफ लिक्विड एच थ्री माइनस एस थ्री डैश, और इक्वल टू एच वन माइनस एच वन डैश, एच वन माइनस एच वन डैश ये कहां हो रहा है वेपर में हो रहा है, तो सी पी आ जाएगा। वेपर के लिए क्या होता है सीपी एंड सीवी होता है, लिक्विड के लिए सिर्फ एक ही होता है, सीपी सीवी इक्वल होते हैं, एक ही सी होती है, और वेपर के लिए सीपी एंड सीवी अलग होती है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रही है, तो सीपी लिखेंगे किसके लिए वेपर के लिए, और ये वैल्यू आएगी क्या इज इक्वल टी वन माइनस टी वन डैश। ठीक है, तो हम यहां पर इसको अभी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा, जितनी हीट यहां पर लॉस होगी यानी कि यहां पर कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट जितनी हीट लॉस करेगा उतनी हीट यहां पे गेन करेगा जब वन डैश टू वन जाएगा, तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा, हीट लॉस किसके इक्वल आएगा एच थ्री माइनस एच थ्री डैश, और हीट गेन आएगा एच वन माइनस एच वन डैश, ये हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन आएगा, ये हीट लॉस हो गया, ये हीट गेन हो गया। अब इसमें जो ये आता आया है टी थ्री माइनस टी थ्री डैश, इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ सबकूलिंग, पढ़ा भी होगा कि सैचुरेटेड वेपर कर्व से यहां से जितना टेम्परेचर कम होगा, पहले भी पढ़ा था मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था, ये बताया था कि डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या होती है, इस जगह से जितना टेम्परेचर कम होगा उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ सबकूलिंग, और इस लाइन से यहां से जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है इसको क्या कहते हैं डिग्री ऑफ सुपरहीटिंग, डिग्री ये डिग्री ऑफ सबकूलिंग, ये डिग्री ऑफ सुपरहीटिंग। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है कि डिग्री ऑफ सबकूलिंग और डिग्री ऑफ सुपरहीटिंग सेम नहीं आएंगे, क्योंकि सी ऑफ लिक्विड एंड सीपी ऑफ वेपर सेम नहीं होगा, दोनों अलग अलग फेज में है। तो हम लिख सकते हैं कि एज सी लिक्विड इज नॉट इक्वल टू सीपी वेपर, तो इसका मतलब क्या आएगा, डिग्री ऑफ सबकूलिंग इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपरहीट, जो डिग्री ऑफ सबकूलिंग है और डिग्री ऑफ सुपरहीट है इक्वल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सी लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट है वो अलग होगी और वेपर की स्पेसिफिक हीट अलग होगी, स्पेसिफिक हीट दोनों की सेम नहीं होगी, तो इसीलिए डिग्री ऑफ सबकूलिंग एंड डिग्री ऑफ सुपरहीट सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, जो थ्री टू थ्री डैश प्रोसेस हो रही है और वन डैश टू वन प्रोसेस जो हो रही है वो हीट एक्सचेंजर में हो रही है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर यहां पर जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट गेन यहां पर होगा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। यहां पर हीट लॉस कितना हुआ एच थ्री माइनस एच थ्री डैश, और यहां पर हीट गेन कितना हुआ है एच वन माइनस एच वन डैश। ठीक है, H को डायरेक्टली CPT लिख सकते हैं, लिक्विड के लिए P लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि C ही होती है। लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक होती है, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सिंगल होती है, और वेपर के लिए या गैसेस के लिए कह सकते हो आप
स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दो होती है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहां पर सी लिक्विड आएगा क्योंकि ये लिक्विड रीजन है, थ्री तो थ्री डैश जो हो रही है प्रोसेस वो लिक्विड रीजन में हो रही है, तो यहां पर सी लिक्विड की आएगी, और वन डैश टू वन जो प्रोसेस हो रही है वो वेपर फेज में हो रही है, तो इसलिए यहां पर वेपर आएगा। और ये वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये और ये भी सेम नहीं होगा, यानी कि डिग्री ऑफ सबकूलिंग और डिग्री ऑफ सुपरहीटिंग इक्वल नहीं आएंगे। ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका। और एक मैंने सीओपी का बता दिया, सीओपी के लिए ये आएगा, सीओपी में एच वन डैश और एच थ्री डैश आएगा और नीचे एच टू माइनस एच वन आएगा। ये कैसे आएगा ये सब पता लग गया आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूं मैं, अगर कोई भी दिक्कत है आपको, और आप अच्छे से पढ़ाई करो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ चाहते हो कि आप मेरे लिए कुछ करो, या कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, या ये नंबर तो व्हाट्सएप नंबर मैं जल्दी ही चालू कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि सर आप लेक्चर बनाओ। देखो लेक्चर टाइम से नहीं बन रहे, इसके पीछे कुछ मेरे पर्सनल रीजन है कि मैं नहीं बना पाया, कुछ कैमरे के लिए भी मैं सोच रहा था कि कुछ कैमरा अच्छा ले लेते हैं, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी को लेकर कंप्लेंट आ रही थी, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर आप लेक्चर बना दो, हम पैसे आपको भेज देंगे, या आपका कोचिंग सेंटर कहाँ पे है। मेरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है और ना ही मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है ये सब कुछ। हाँ, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो आप एड्स देखो, अगर एड देखोगे तो वो अपने आप रिवेन्यू जो वो आएगा मेरे पास आएगा। हाँ, लेकिन इसमें जो भी कुछ आएगा, पैसा आएगा, मैं चाहता हूँ यूट्यूब चैनल पे ही लगाऊं, जो पैसा आएगा, जो एड से जो भी पैसा बनेगा वो मैं अपने लिए खर्च नहीं करूंगा, वो मैं यूट्यूब चैनल पे इसी वीडियो क्वालिटी इनहांस करने में, वीडियो एडिटिंग में, ये सब चीजों में, इन्हीं में मैं यूज करूंगा उसको, ठीक है। कुछ एक्सेसरीज वगैरह खरीदने के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए इसी में यूज करेंगे, तो जो भी पैसा आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एड्स देखें, एड से जो भी पैसा आएगा वो इसी में यूज होगा, ठीक है। तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट आपसे, और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।